Welcome my dear students to the social science lecture. In this lecture we are going to study the first chapter of geography of standard 9th. Now we will start with our chapter, that is distributional maps. अब आप चैप्टर का नाम जैसे देख रहे रहेंगे, यहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स, मतलब अगर हमको मैप पे कोई चीज़ को लोकेट करना है, फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ राइस, कौन से एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा है, कौन से एरिया में प्रोडक्शन कम है, अगर इस चीज़ को हमें जानना है तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशनल मैप का यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर हमें किसी एरिया की पॉपुलेशन जाननी है, जैसे एग्जांपल अगर मैप ऑफ इंडिया दिया हो और उस पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो तो हम वहाँ पर नंबर नहीं लिख सकते, हम इस डिस्ट्रीब्यूशनल मैप की मदद से उसे लोकेट करके बता सकते हैं कि किस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और किस एरिया की पॉपुलेशन कम है। इट मीन्स इफ बाई यूजिंग द थीमेटिक मैप और द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप वी कैन ईजिली with the population distribution of a particular area or any kind of distribution things on a map with the help of thematic maps. So now in this lecture, in this chapter, we are going to study the various kinds and various different types of distributional maps. So first study this the box part. You have studied the district, state and the country map in the earlier classes in environmental studies and geography subjects. The main aim of the map is to show the locate of a place and to distribute of variables. यानी कि मैप का मेन काम, यानी मैप के मेन उद्देश्य जो होता है वो उसका क्या रहता है कि उसको लोकेशन शो करना और किसी प्लेस पे क्या चीज़ फेमस है उस वेरिएबल को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके तरीके से बताना। तो यहाँ पे उस चीज़ को क्या कहते हैं, अब जो हम आगे स्टडी करने वाले। सम मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद अ स्पेशल थीम। स्पेशल थीम का मतलब क्या होता है, हिंदी में थीम का मतलब क्या होता है, कोई टॉपिक को लेकर, कोई विषय को लेकर, यानी स्पेसिफिक उस पर लिखा रहेगा कि ये मैप किस चीज़ के लिए बनाया गया है। तो उस तरीके के मैप को हम क्या कहते हैं, सच मैप्स वर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप। थ्रू सच मैप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन अ रीजन इज शोन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके है, अगर एक मैप रहेगा तो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर रहेगा, दूसरा मैप रहेगा तो सिर्फ रेनफॉल के ऊपर रहेगा, तीसरा मैप रहेगा तो सिर्फ पॉपुलेशन को लेकर रहेगा। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो सकती नहीं, अगर कंबाइन रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल मैप कहेंगे, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर थीम को लेकर रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, थीमेटिक मैप और द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप एक्सेट्रा इज शोन ऑन अ मैप अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ दिस वेरिएबल। दिस मैप्स आर यूजफुल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वेरिएबल इन द रीजन। सच मैप्स इजिली ब्रिंग ऑफ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप वी नीड द स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफ द वेरिएबल। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या, तो मैथमेटिकल डेटा चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल है, मैं अगर बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उस वहाँ की पॉपुलेशन का हमें नंबर चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि मुंबई में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सतारा, बीड, उस्मानाबाद, सांगली में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की। तो उस हिसाब से हम कब बता सकते हैं, जब हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा। विच डेटा, द डेटा विच इज कॉल्ड एज एन स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन इन द थ्री फॉलोइंग वेज ऑन द मैप। डिस्ट्रीब्यूशन मैप के थ्री मेजर तरीके होते हैं जिसे हम कहते हैं द थीमेटिक मैप। अब एक चीज़ याद रखना, ये चैप्टर जब मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट, द एक्सप्लेनेशन जितना इसके अंदर दिया गया, वो एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इसके अंदर, जो आपको एकदम डायरेक्टली वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर सारा मैप, मतलब ये मैप ड्रॉ कैसे किया जाता है, इस मैप के क्या क्या कंडीशन रहती है, कैसे रहता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने मिलेगा। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन पार्ट जो इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो पार्ट भी हम इसको, मैं आपको इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। फर्स्ट वन डॉट मेथड, सेकंड वन क्लोरोप्लेथ मेथड एंड थर्ड वन, फर्स्ट डॉट मेथड, सेकंड क्लोरोप्लेथ मेथड एंड थर्ड आइसोप्लेथ मेथड। तो तीन मेथड हैं किस चीज़ के, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप के। तो ये तीनों मेथड जब हम स्टडी करेंगे, एक एक करके हम आगे इसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन डॉट मेथड, अब देखो आप जैसे इमेज में देख पा रहे रहोगे,
डॉट मेथड का मतलब क्या होता है, जिस मैप के अंदर डॉट्स वर यूज्ड एंड डिफरेंट डॉट्स वर इन डिफरेंट इन साइज, तो सबकी साइज के हिसाब से उसकी वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी। अगर स्मॉलर डॉट रहेगा तो उसकी स्मॉल वैल्यू रहेगी, डार्क डॉट रहेगा और बिगर डॉट रहेगा तो वहाँ पे वैल्यू भी क्या रहेगी, उसकी ज़्यादा रहेगी। सेकंड क्लोरोप्लेथ, क्लोरोप्लेथ का मतलब होता है शेडो मैथड, यहाँ पे शेड किया जाता है इसको और उस शेड के हिसाब से जहाँ पे लाइट रहेगा वहाँ पे पॉपुलेशन या भी जो भी प्रोडक्टिविटी वो कम रहेगी, और जहाँ पे डार्कर इन कलर रहेगा वहाँ पॉपुलेशन नंबर ज़्यादा रहेंगे और वहाँ के कोई वेजिटेशन या फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जो है वो लोवेस्ट रहेगी। थर्ड आता है आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ का मतलब होता है जहाँ पे लाइंस मेथड के थ्रू उसको दिखाया जाता है, यानी क्लोरोप्लेथ में बॉक्स टाइप या फिर स्क्वायर टाइप में चीज़ें बताई जाएगी, लेकिन आइसोप्लेथ के अंदर क्या रहेगा, कर्व सिस्टम यूज़ किया जाता है, लाइन ड्रॉ मेथड यूज़ किया जाता है, जिसके वजह से वो मेथड क्लोरोप्लेथ से समथिंग डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन है आपका डॉट मेथड। A dot map is prepared using the statistical data. While preparing the dot maps, only the data gathered through counting is used. याद रखना, यहाँ पे data thematic map में से dot map जो है वो सिर्फ उस चीज़ के लिए use किया जा सकता है जहाँ पे number counting से पता चले, यानी गिनती में आते हो, वैसे चीज़ों के लिए हम क्या use करने वाले हैं, dot method. For example, population of a region, the distribution of cattle, etc. अब यहाँ पे देखो, population के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉट मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी भेड़ बकरी इनके लिए, कैटल्स के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, डॉट मेथड। लेकिन आप फॉरेस्ट के लिए डॉट मेथड यूज़ कर पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट में ट्रीज़ आपके काउंटिंग में आ सकते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम उस जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोरोप्लेथ यूज़ कर सकते हैं या फिर आइसोप्लेथ। फिर टेम्परेचर के लिए, जैसे अभी टेम्परेचर है तो टेम्परेचर में फॉरेस्ट जैसा एरिया काउंट नहीं कर सकते कि कितने किलोमीटर में है, तो वहाँ हमको टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, आइसोप्लेथ, कर्व मेथड। एक ही जगह पे क्या हो सकता है, बारिश हो भी सकती है, वहाँ पे बाजू वाले एरिया में क्या हो सकती है, बारिश कम हो सकती है, तो वहाँ पे हमें कर्व मेथड यूज़ करना पड़ेगा, यानी आइसोप्लेथ मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो नंबर में काउंट हो जाए, प्रिपेयरिंग द डॉट मैप ओनली फॉर द डेटा विच इज़ गैदर्ड थ्रू काउंटिंग, है ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट मेथड। नाउ नेक्स्ट वन, To show the distribution through dot method, the value of a dot has to be determined. And to do that, the lowest and the highest value of a given variable in a region are taken into consideration. हमें ये पता लगाना होगा, जैसे example, for example, if I talk about a Mumbai. अब मुंबई के अंदर अगर मैं population की बात करूँ तो मुंबई start होता है, जैसे मुंबई सबब start होता है आपका विरार से और ख़त्म होता है मुंबई आपका चर्च गेट तक। ठीक है ना, ये मुंबई है, वेस्टर्न बॉम्बे है जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोएस्ट से लोएस्ट बात करें तो नायगांव की पॉपुलेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नायगांव में सबसे कम पॉपुलेशन है। और हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर हम बात करें तो नाला सोपारा की पॉपुलेशन का भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस यहाँ पे क्या कहा गया, लोएस्ट पॉपुलेशन भी पता लगाना है और हाईएस्ट पॉपुलेशन का भी पता लगाना है, उस हिसाब से हम डॉट को असाइन कर सकते हैं। अगर हमें मालूम पड़ता है कि हमारा विरार से लेके चर्च गेट तक जो पॉपुलेशन है वो टोटल एक एरिया, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 2 करोड़, ठीक है ना, 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ के हिसाब से हमें, जैसे अगर एग्जांपल है नाला सोपारा को लोकेट करना है, तो नाला सोपारा के अंदर हमारे पास पॉपुलेशन जो रहेगी, जो लिस्टेड पॉपुलेशन है वो वहाँ पे रहेगी लगभग 25 से 30 लाख जन की, है ना, 25 से 30 लाख जन रहेंगे। तो उस हिसाब से उस डॉट का साइन भी क्या रहेगा, बिगर इन साइज रहेगा। लेकिन अगर नायगांव की बात करें तो वहाँ पे कुल पॉपुलेशन आपकी 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में रहेगी, तो वहाँ पे डॉट की साइज़ क्या रहेगी, स्मॉलर इन साइज। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जब भी हम डॉट मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम हमें डॉट की जो साइज़ है वो हमें पहले से प्री डिफाइंड करनी होगी, जो लोवेस्ट डॉट रहेगा लोवेस्ट वैल्यू के हिसाब से और हाईएस्ट डॉट रहेगा हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से। एंड अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ डॉट्स वर डिटरमाइंड एंड ऑल्सो वी नीड टू बी कंसिडर द साइज ऑफ द डॉट, द डेंसिटी ऑफ वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ अ मैप। द नंबर ऑफ डॉट टू बी गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड टू बी डिसाइडेड फर्स्ट एंड द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग द डॉट मैथड फॉर अ मैप। हर चीज़ का हमें पहले से ध्यान रखना पड़ेगा, उसका स्केल, उसका पर्टिकुलर एरिया, कौन से साइज का हम मैप यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें डॉट का साइज भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा डॉट मैथड यूज़ करने से पहले, उस चीज़ को अभी हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 2 से 3 चीज़ें दी गई हैं जो हमें प्री डिफाइंड यानी मैप को यूज़ करने से पहले हमें उस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट वन, द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम इन साइज़ होना चाहिए। अगर जैसे एग्जांपल 1000 के लिए मेरी डॉट की साइज़ जो रहेगी वो पेन के निप जितनी रहेगी, तो वो साइज़ सेम रहनी चाहिए हर लोकेशन पे, चेंज होना चाहिए नहीं। अगर डॉट का साइज़ चेंज हो गया तो डॉट मेथड में वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द साइज़ ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। और एक चीज़ याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, व्हाट आर द प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग द डॉट मेथड फॉर अ मैप। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वापस से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट वन है द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। फर्स्ट वन क्या है, जो डॉट का साइज है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड वन है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा ऑफ अ रीजन शुड बी कंसिडर वाइल प्लेसिंग द डॉट ऑन अ मैप। अब देखो जैसे एग्जाम्पल है, अगर मैं एक बात करूँ, अगर बोरीवली की बात करता हूँ, बोरीवली में अगर मैं वेस्ट, बोरीवली वेस्ट की बात करता हूँ, तो बोरीवली वेस्ट में आपको मालूम रहेगा आईसी खाड़ी करके आता है जो आपको लिंक देता है गोराई तक, और जो गोराई के पैगोडा तक लिंक आता है। तो अभी क्या करेंगे आप, बोरीवली की जब पॉपुलेशन बता रहे हो, आपने गलती से क्या कर दिया, बोरीवली के वेस्ट में जाकर पानी के अंदर, यानी आप उस आईसी खाड़ी के अंदर जाके एक दो डॉट आपने प्लॉट कर दिए। अब आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि वहां पर कोई पॉपुलेशन रह सकता है क्या, नहीं। यानी आपने वाटर सोर्सेस का वहां पे क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, वाटर सोर्स को ध्यान नहीं दिया, और आपने क्या कर दिया, वाटर में जाकर प्लॉटिंग कर दिया। किस चीज का प्लॉटिंग कर दिया आपने, पॉपुलेशन का, तो ये गलत हो गया। दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कहीं से अगर नेशनल हाईवे जा रहा है और नेशनल हाईवे पर आपने एकदम डार्क डॉट, बड़ा सा डॉट प्लॉट कर दिया, इसका मतलब क्या है, नेशनल हाईवे पर इतने सारे लोग रह रहे। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डॉट मैप के अंदर, तो डॉट मेथड के अंदर, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फिजियोग्राफी, कि पहाड़ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते तो वहाँ कम टिक करना है, रिवर में लोग नहीं रहते इसके लिए वहाँ पे कम टिक करना है, रोड के बाजू में ज़्यादा लोग नहीं रहते तो वहाँ पे थोड़े कम डॉट लगाने, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा जब भी हम डॉट मैथड यूज़ करते हैं एज एन थीमेटिक मैप। थर्ड वन, वाइल शोइंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन इज शोन बाय द डॉट एंड द सर्कल आर यूज फॉर द अर्बन पॉपुलेशन। अब देखो अलग कैसे बता सकते हैं कि रूरल पॉपुलेशन कौन सा है, अर्बन पॉपुलेशन कौन सा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग मेथड डॉट मेथड में यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, डॉट यूज करेंगे रूरल पॉपुलेशन के लिए, और सर्कल जो है वो यूज करेंगे हम किसके लिए, अर्बन पॉपुलेशन के लिए। सो यहाँ पे तीन चीजें आपको ध्यान रखनी, फर्स्ट वन क्या कहा गया कि द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म, एंड सेकेंड फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बिफोर प्लॉटिंग द डॉट ऑन अ मैप लाइक फिजियोग्राफी, वाटर सोर्सेस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेट्रा। और थर्ड चीज़ क्या कहा गया कि जब भी हम वाइल शोइंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल पॉपुलेशन इज शोन बाय डॉट एंड अर्बन पॉपुलेशन इज शोन बाय द सर्कल। ये दो अलग अलग मेथड यूज करके हम रूरल और अर्बन को डिफाइन कर सकते हैं। तो याद रखना तीन पॉइंट है, थ्री डिफरेंट पॉइंट्स फॉर गिवन फॉर द मस्ट बी टेकन एज अ प्रिकॉशन वाइल यूजिंग द डॉट मैथड फॉर द थीमेटिक मैप। द डॉट मैथड इज नॉट इज मोस्ट सुटेबल फॉर दैट वेरिएबल विच इज फ्रीली स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन, उन चीजों के लिए जो नंबर काउंटिंग में हो जाए और फ्रीली स्कैटर्ड है, अलग अलग जगह पे बिखरे हुए, उन चीजों के लिए डॉट मेथड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको यहां पे फिगर 1.1 के अंदर दिए गए, नेक्स्ट पेज पे आप ध्यान से देख सकते हो, क्वेश्चंस लेते हैं उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन, यहाँ पे क्या कहा गया है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन। तो चलो मैप में जाते हैं और मैप में अमरावती देखते हैं। अमरावती में आप डॉट का साइज देख पा रहे हो, डॉट का साइज अमरावती में जो है वो बड़ा साइज है, तो सबसे बड़ा है देख रहे हो मैप के अंदर, तो अमरावती में कितना दिया गया है, 5 लाख। तो आपका आंसर क्या आएगा, द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन इज 5 लाख। कितना आएगा आंसर, द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन इज 5 लाख। कितने लाख है यहाँ पे, 5 लाख, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, नेम द प्लेस हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप, 1 लाख की पॉपुलेशन के साथ वाला कौन सा एरिया है, ठीक है। अगर हम आप यहाँ पे देखो, मैं आपको मैप जूम करता हूँ, अगर आप इनमें से बराबर से देखें मैप को, तो आपको दिखेगा सबसे छोटा मैप ये है, सर्कल ये है, उसके बाद ये सर्कल है वरूद का, थर्ड नंबर है अचलपुर का, और फोर्थ नंबर है अमरावती का। तो उस हिसाब से सेकंड वरूद है, तो यहाँ पे जो 1 लाख का एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, वरूद आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, द प्लेस विच हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ
फ्लैग ऑन द मैप इज वरुड, क्या लिखेंगे, द प्लेस विच हैव पॉपुलेशन ऑफ 1 lakh ऑन द मैप इज वरुड। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द मैप शोज द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। स्पार्स का मतलब क्या होता है, बिखरे हुए, ठीक है ना। डेंस का मतलब होता है ज़्यादा लोग, जहाँ पे ज़्यादा लोग, भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है उसे स्पार्स होता है, जो बीच मतलब एकदम बिखरे हुए लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं नहीं। वो कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट, मतलब मैप 4 पार्ट में डिवाइड होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम देखते हैं मैप को ज़रा, तो देखो ईस्ट में भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, सेंटर में भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वेस्ट में भी ज़्यादा है, साउथ में भी ज़्यादा, लेकिन नॉर्थ में बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मैप शोज द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया रहेगा, क्लियर रहेगा आपको एकदम बराबर से, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हम इस चीज़ को बराबर से आंसर कर सकते हैं। तो ये वैरायटी कौन सी थी आपकी, डॉट मेथड की, कौन सी वैरायटी थी ये आपकी, डॉट मेथड की। अब इसके बाद नेक्स्ट वन हम देखने वाले हैं, वो है आपका क्लोरोप्लेथ मेथड। तो ये क्लोरोप्लेथ मेथड हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और आपको एक और इसके बेसिस पे आप, अगर आपके पास टारगेट है डाइजेस्ट जो रहेगा, आप डॉट मेथड के मैपिंग क्वेश्चन जो उसके अंदर दिए वो आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लोरोप्लेथ मेथड इन द नेक्स्ट लेक्चर।